नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यू इंडिया न्यूज। आज से शारदीय नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं। क्यों मनाते हैं नौ दिन का पर्व, किन देवियों की होती है पूजा, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में कई व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों और व्रतों का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की पूजा अर्चना होती है। इन्हीं में एक पर्व में पूर्ण नवरात्रि का भी है। नवरात्रि देवी माँ से जुड़ा पर्व है, जिसमें 9 दिन तक माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और माता को घर के मंदिर में विराजमान कराया जाता है। उसके बाद 9 दिनों तक देवी माँ भक्तों के घर पर वास करती है। इस दौरान लोग उपवास करते हैं, माँ की पूजा अर्चना और आरती करते हैं। साल में 4 नवरात्रि होती है, जिसमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष है। शारदीय नवरात्रि के बाद से त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। इस साल 26 सितंबर से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है और 9 दिनों तक किन 9 देवियों की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक शारदीय नवरात्रि का पर्व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नौमी तिथि तक मनाया जाता है। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 26 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हुई। 9 दिन का यह पर्व 4 अक्टूबर दिन मंगलवार तक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि का समापन नवमी तिथि को होता है, जिसके अगले दिन यानी दशमी तिथि को दशहरा का पर्व मनाया जाता है। इस बार 5 अक्टूबर को दशहरा। मान्यता है कि शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने। भगवान राम जब माता सीता को रावण से आजाद कराने के लिए युद्ध करने जा रहे थे, तो उन्होंने रामेश्वरम से समुद्र के किनारे शारदीय नवरात्रि की पूजा। 9 दिनों तक माता शक्ति की आराधना के बाद 10वें दिन श्री राम ने रावण का लंका पर विजय हासिल की। इस कारण 9 दिनों की नवरात्रि पूजा के बाद 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा के मुताबिक महिषासुर नाम के राक्षस को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसे कोई देव दानव धरती पर रहने वाला करके मार नहीं पाएगा। वरदान प्राप्त करने के बाद महिषासुर ने पृथ्वी पर आसक्त हो गया। महिषासुर का अंत करने के लिए माता दुर्गा का जन्म हुआ। 9 दिनों तक माता दुर्गा और महिषासुर के बीच युद्ध हुआ और अंत में माता दुर्गा ने महिषासुर का वध कर लिया। ये थी दो पौराणिक मान्यताएं जिसकी वजह से नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।